बात से आप सब जानते हो और आज गांव में से
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਆ ਮਿਲਾ ਬੰਦੇ ਹਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲਾਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਸੋਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਆਉਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਗਾਓਂ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਡੈਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਥੇ ਸਾਥ ਕੇ ਸਾਥ ਨੌਕਰੀ ਕੇ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਤੇ ਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ ਮੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੇ ਖੇਤੋਂ ਮੇ ਮਗਰ ਜਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇ ਆਏ ਤੋ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਮਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਜਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਪਰ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਔਰ ਵਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਜਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਐਸੇ ਹੋਗਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਦੇਖੋ ਨੋਦ ਨਾਕ ਪੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਤੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੋ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਸਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਖੋਪੜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਪਲੈਨ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗਾਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਖੋਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਲਾ ਪੱਕੋ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਥੈਲੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਕਰਦੀ ਜਾਓ ਥੈਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ
plant out there. They are phenomenal and amazing products. और ऐसे प्रोडक्ट जिस कंपनी के पास हो वो कंपनी कैसी होगी? नंबर वन एमवे के पास जो वैल्यू सिस्टम है, जो फैमिली फंडामेंटल्स है, जो सिंसेरिटी, जो ह्यूमिलिटी, जो स्ट्रेंथ, फोकस, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में सिखाया जाता है, दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यस इसके लिए जो दुनिया भर की जो वैल्यू है, ईमानदारी, करेक्टर, हैबिट्स, वो सब यहाँ आती है, तभी लोग डायमंड बनते हैं। तो डायमंड इज फ्रॉम इनसाइड आउट, इट्स नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन। अंदर से डायमंड पहले एक कुड़ी के नीचे से बंदा डायमंड बनता है, पहले बाहर का बनता है, बाहर जहाँ बनना पड़ेगा पहले अंदर से उतना पड़ेगा, अंदर से चालू हो जाए। और एमवे में जो जो एमवे कर रहा है, जो हो रहा है आज इस टाइम, जो बिहाइंड दी स्क्रीन आंशुली है, आंशु बुद्राजा, चिंता बैनर्जी है, पूर्वा जी है, जो बिहाइंड द स्क्रीन पीछे काम हो रहा है जो आपके लिए, वो पीछे इतनी मेहनत दिन रात कर रहे हैं हम, आपको तो सिर्फ स्टेज के ऊपर आके डांस करना है। कैन यू डू दिट? यस। यस। आपको प्ले करना है आगे जाने में, पीछे बैकग्राउंड में बहुत कोरियोग्राफर है आपके पीछे। यस। सच्ची है। एक से बढ़कर एक हम भी निकलते हैं घर से रोज, एमबीए में कामयाब होने का एक ही तरीका है, घर से निकलो। जो गेट से बाहर है शाम को सिर्फ इधर चलेगा, गेट के अंदर है नहीं चलेगा। आपको कुछ नहीं पता ना होता है, जब निकल जाओ, मैं कई बार निकल जाता हूँ गाड़ी कट करके, सोचता हूँ जाना चाहिए यार, कहीं ना कहीं अंदर से निकल के आता है बंदा, गाड़ी को मिलते हैं और ऐसे काम होता है। और सेल की डेफिनेशन चेंज कर दी है एमवे ने। आपने पुराने जमाने में वो सेल होती थी सेल के लिए जो बना है लोगों का, गज्जे को कंगी बेचनी है, दैट्स नॉट सेल। वो बेवकूफ बनाने वाली बात हम नहीं करते लोगों को, हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को जो जितना वो पैसा देता है उसकी सर्विस पर है। सेल का मतलब है हेल्पिंग समवन, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट्स नॉट सेल। किसी को कन्विंस करके बेवकूफ बना के पैसे देके चाहता है, डेट्स वाले से वो नहीं करते। ये टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। प्रोडक्ट को समझो, प्रोडक्ट के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतने अच्छे रिजल्ट हैं, और अगर आप उनको समझो, अगर हमें पता है उनका, तो लोगों के पास जो सारी दुनिया रोगी है, सारी दुनिया को चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो तो जो जो डिशेज सो सो रोगी है, वो भगवान के अलावा बाकी सब दुनिया की रोगी है। किसी से चार बातें करो बंदा मिल करके बताता है क्या हो गया, कौन बीमार है, जस्ट रिकमेंड द प्रोडक्ट्स विद एन विद अ फेयर हार्ट एंड ऑनेस्ट माइंड। लोग आपके बात माने, आपको पीपल स्किल आनी चाहिए, आपको पूरा ढंग से ये बिजनेस की हर बात जो है उसको सीखना चाहिए। और ये कोर प्लस जो है, जब से हमने ये कोर प्लस को लॉन्च किया है, अभी तो एक रेवोल्यूशन आ गया पूरे इंडिया, अभी तो एक तरह का ऐसे इतना तमाल मच गया है आपका। और जो इनिशियल लेवल की जो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बढ़ने वाली है लोगों की 10%, इवन 0% लोग 10% में जाने वाला है। और जो BFI एंड BBI एंड हायर वार्ड अवार्ड है, जो पैसे तो गिने नहीं जाएंगे, पैसा इतना डाल दिया, अब काम करने के लिए जस्ट डिफाइन यूर ड्रीम, फाइंड यूर रीजन, फाइंड यूर पर्पज, और इस बिजनेस को ढंग से करो, सीखो और लोगों को सिखाओ, एम्पावर करो यूथ को। यूथ का जमाना है इंडिया में, अभी बेबी बूमर्स मिलेनियल आ गया है बहुत ज़्यादा, 50-60% यूथ है। जिधर देखो आपको यूथ नज़र आता है आज के डेट में। और जिसने यूथ पे फोकस कर लिया, और अभी कमाला किए जा रहे हैं हमारे ग्रुप में, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो U35 वाले आ गए हैं, और उनको बिजनेस दिखाओ, उनको विजन दिखाओ, उनको प्रॉपरली बिजनेस की जो पोटेंशियल है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, उनको दिखाओ, और आप देखो क्या होने वाले हैं बिजनेस।
और इस बिजनेस में, क्योंकि ये बंदों का बिजनेस नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का मिलकर बिजनेस होता है, क्योंकि वाइफ घर की मालिक होती है, बंदा मालिक नहीं होता, बंदा मकान का मालिक होता है, वाइफ घर की मालिक होती है, बंदा अपना घर छोड़ के बाकी सारी दुनिया का मालिक होता है। तो अपनी वाइफ को साथ बनाते सर, और वाइफ के अंदर बिजनेस होता नहीं है, क्योंकि लेडी के अंदर भगवान ने कुछ ऐसा डाल दिया जो आदमियों में है ही नहीं। लेडी बहुत ही पावरफुल एक ऐसी भगवान ने बना दिया है आपके घर में, तो उसको समझो, उसको साथ लो। और मेरी भाई मेरे साथ है हाथ एंड हम मिलके करते हैं, और मेरे साथ वाली बिजनेस क्लास की सीट पे ये बैठते हैं, क्योंकि मेरे साथ फ्लाइट दिखाने जाती है इसलिए। जो लेडी जब किसी ने हमें प्लान दिखाया था तो हमने नो बोल दी थी, आज सोचते हैं कि वो नो क्यों बोला था, पता नहीं क्यों बोला था, माइंडसेट ही ऐसा था कि फॉल्स सी ईगो होती थी। वो बच्चा था हमारे साथ रह के पढ़ा था हमारे घर में, कनाडा से वापस आके हमें बता रहा था, कुछ हवा हवा भी बता रहा था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो ऊपर ऊपर की बातें करता था, हम नीचे नीचे की बातें करते, ऐसा लगता था कि ये तो बच्चा था, ये हमें क्या पढ़ाएगा। तो हमने नो बोल दिया, बट थैंक्स गॉड एक महीने बाद मेरे हस्बैंड को कहीं और मौका मिला प्लान देखने का, और जब ये शाम को रात को 11 बजे घर आए तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ चेंज ही हो गया, इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे कि पूरी रात सो ही नहीं पाए। मुझे डर लगता था बिजनेस से, कहते थे कि वो बिजनेस बहुत बढ़िया है जो रिंकू बता रहा था, मुझे डर लगता था क्योंकि इस बिजनेस से पहले बहुत बिजनेस किए थे, और हमेशा ऐसे ही होता था बिजनेस के घर से पैसा निकाल के फेंकते थे और आने का कुछ इतना नहीं होता था, जो आता था फिर बिजनेस के अंदर, जो आता था फिर बिजनेस के अंदर। तो मुझे लगता था कि ऐसा बिजनेस कोई और हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तब माइंडसेट ऐसा था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम चंडीगढ़ आए हैं, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे हम वापस चले जाएंगे, तो इसलिए हमने देखा नहीं। नेक्स्ट डे मीटिंग थी, जब मेरे को बुला के लेंगे कि होटल में सूप पीने चलिए, जब वहाँ सूप पीने गए, वहाँ सूप तो कुछ भी नहीं था, बोर्ड लगा हुआ था, 5-7 लोग बैठे थे, एक सरदार जी प्लान कर रहे थे, हम भी बैठ गए, समझ कुछ नहीं आया बट अच्छा लगा, बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। वो सरदार जी उस दिन हमने देखे थे, उस दिन के बाद से हमने कभी उनको देखा ही नहीं है कि वो कौन। और हम घर आए, हमने डिसाइड कर लिया कि एक साल बिजनेस करेंगे, एक साल के बाद रिव्यू करेंगे कि इसको आगे करना है। और ऐसा ही करते करते फर्स्ट मंथ हम 3% पे चले गए, 3% पे गए, 352 रुपीज का चेक आया, जब वो ड्राफ्ट आया तो इतना अच्छा लगा कि हम एक्साइटेड ही बहुत हो गए थे उसको देख के, इसलिए नहीं एक्साइटेड था कि 352 रुपीज मिले हैं, इसलिए एक्साइटेड थे कि हमने इतना सा काम किया है, इतने से पैसे मिले हैं, जिस दिन बड़ा काम करेंगे बड़े पैसे आएंगे। उस दिन से हमने स्टार्ट कर दिया और हमेशा एवरी मंथ हम अपना गोल सेट करते थे, अपना गोल सेट करके उसके रिवर्स प्लान करते थे कि इसको कैसे अचीव करना है, इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, क्या सिखाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स नहीं थे इतने ज़्यादा, शेयर प्रोडक्ट से था, हमने अपने शेयर प्रोडक्ट्स को सीखा, बार बार अपने घर में डेमो की, डेमो कर करके देखी, जो हमने अच्छा लगा वो हमने लोगों को बता दिया, और ऐसा करते करते रब बड़ा हो गया। जब हम गोल रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गोल नहीं अचीव होता, तो क्या हुआ, अचीव नहीं होगा तो उसके पास तो पहुंच ही जाएंगे, अगर गोल रखा ही नहीं है तो पहुंचेंगे कहाँ।
तो ऐसे ही हम गोल रखते थे, उसको अचीव करने की कोशिश करते थे और लास्ट में तक उस गोल के लिए काम करते थे। कई बार ऐसा होता है कि 25 को, 26 को, 28 को लोग सरेंडर कर जाते हैं कि नहीं इस मंथ मुश्किल लग रहा है, नेक्स्ट मंथ करेंगे, क्योंकि इजी होता है ना बोलना कि नेक्स्ट मंथ करेंगे। हम तो रात के 12 बजे 30 या 31 12 बजे तक नेक्स्ट मंथ की बात ना किसी की सुनते हैं ना किसी के साथ करते हैं। जब बस आएगी तब देखेंगे कि इस मंथ का क्या गोल है। और कहते हैं ना, नो गोल नो ग्लोरी। अगर गोल नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। अगर मालूम है कि वहां जाना है तो जाएंगे। अगर जो बिजली का बिल पे करते हैं, अगर उस पर डेट ना डली हो तो कौन पे करेगा टाइम पे? कोई नहीं करेगा। ऐसा ही कोई शादी होती है, उस पर डेट डलती है बकायदा कि इस दिन शादी होगी। अगर डेट ही नहीं डालेंगे कि लोग कहाँ आएंगे शादी में, कि कितनी को, कोई कहेगा कि 30th को होगी, कोई अगर 28th को होगी, पता नहीं कब है, हौच पौच हो जाएगा। ऐसे ही बिजनेस में अगर हम गोल सेट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? पता ही नहीं है कि कितने परसेंट पे जाना है, क्या अचीव करना है, कितना काम करना है, क्या क्या, कितनी प्लान दिखाने पड़ेंगे, कितने प्रोडक्ट्स डेमो करने पड़ेंगे, कितने हेल्थ क्लिनिक करने पड़ेंगे, कितने ब्यूटी क्लिनिक करने पड़ेंगे। अगर हमें कुछ मालूम ही नहीं है तो क्या करेंगे? हम ऐसा नहीं करते थे। कहते सक्सेस इज ए प्लान टीम। ऐसा नहीं है कि सोए सोए सक्सेस मिलते हैं। सोए सोए कभी सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस को प्लान करना पड़ता है। तो उसके थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। इस बिजनेस को हमने इंजॉय किया है, ऐसा भी नहीं है कि माइंड में बहुत स्ट्रेस लेके किया है, इंजॉय किया है बिजनेस का। ये कि बात इंजॉय किया है, जो नए नए लोगों को होता है सब हमें भी होता था। सबसे बड़ा क्या होता है इस बिजनेस में, कोई लोग होते था तो क्या हुआ, एक काम को सभी लोग कभी जस नहीं बोलते हैं, सभी लोग कभी नो नहीं बोलते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो हमारे बिजनेस में आ जाते हैं और हमारे साथ बिजनेस करते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे काम करते करते हम जहाँ पे पहुँच गए, कोई भी पहुँच सकता है। हम कोई ज़्यादा जीनियस नहीं थे, बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, सिंपल से गाँव के रहने वाला एक कपल था जो आज से 25-30 साल पहले चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। चंडीगढ़ में शिफ्ट इसलिए हुए थे कि हमारे सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो भी सपने हमें वहाँ से उठा के जहाँ तक ले आए, कोई भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। गो ग्राउंड। एवरी बॉडी सिटिंग इन दिस हॉल कैन बिकम डायमंड ईडीसी एंड क्राउन if we do certain things which we have done, which these people have done, and you will also see that after seeking a better way, you will also do. Just define your dream, find your vision, find your purpose, और घर से निकलो सिकंदर की तरह, झांसी रानी की तरह, और एक दिन करके एक साइड पे कर। You can do it. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे नए फाउंडर ईडीसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो समय आ गया है जब हम एक ऐसी पिन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे।